आप कहाँ ले जा रहे हैं? नानू को पता चल गया तो गुस्सा हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। आप उनकी बात का एहतराम क्यों नहीं करते? वापस चले रहा। नहीं, ये गाड़ी ना रुकेगी ना मुड़ेगी जब तक कि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देती। क्यों नहीं बताती कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? राम, राम गाड़ी आहिस्ता करें। राम एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो गया है आपको? पहले बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है। राम गाड़ी आहिस्ता करें। राम आपको मेरी कसम है। सब पता है, तुम जानती हो मेरे दिल की कैफियत, हकीकत क्या है, कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें, कितना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी आखिर क्यों दूर भागती हो मुझसे? बोलो, दो जवाब मुझे। बीना आंटी, ये कौन है? एक मिनट, बाहर आओ। आ गई घर की याद, लेकिन ये याद नहीं आया होगा कि सामान की एक लिस्ट दी थी। कहा था कि अपनी अम्मा के दीदार पे जाने से पहले सामान देके जाना। सुबह से मैं और अम्मी भूखे बैठे हैं। भूख के मारे अम्मी को तो गश आ रहे हैं, लेकिन आपको कोई फिक्र ही नहीं है, सिर्फ अपनी माँ की पड़ी। एक बात याद रखना रेहान, अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। बकवास बंद करो आलिया, शौहर अभी आया है, ना पानी का पूछा ना खाने का, अपना रोना रोना शुरू कर दिया तुमने। हाँ हाँ, मेरा शौहर तो बड़े नोट कमा कर लाया ना, जिसको बिठा कर उसकी आरती उतारूंगी मैं। मेरा दिमाग मत खाओ तुम। जब खाने को नहीं मिलेगा ना तो दिमाग ही खाऊंगी मैं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होता है तुम खुद जाकर ले लिया करो। वैसे आजकल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और मेरा कोई दिल नहीं है इस तरह बाजारों में घूमने का। ठीक है, जाओ फिर अपनी माँ के पास जाकर रहे। जब भूख लगेगी ना तो मुझसे खाना मत मांगना, उनका गम खाकर पेट भर लेना। कमाल मिया, कोई तरकीब निकालिए, सोचिए। जिस तरह से राहम आशी के करीब आ रहा है, हमें तो आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। वैसे मैं जितना आशी को जानता हूँ, वो इस किस्म की लड़की नहीं है कि वो राम बाबा के चक्कर में पड़े। वो सुलझी हुई समझदार लड़की है और समझती है के मखमल में टाट का पेबंद नहीं लगता। अरे कमाल मियां, आप उस लड़की की तारीफ में आसमान जमीन के कुलाबे जो मिला रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं किसी की सूरत देख के हमें पता चल जाए कि उसके दिल में क्या है? अरे भाई, गरीब खानदान की लड़की है। इस घर की शान शौकत और आराम व आसाइश देखकर नीयत बदल गई होगी उसकी। आपने भी तो दुनिया देखी है ना, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मैं भी आपकी तरह दिल से सोचने लगी तो मेरा नवासा तो गया हाथ से। खावर के साथ क्या हुआ था भूल गया? कितनी शराफत, कितना रख रखाव दिखाती थी मारिया। मैं नहीं चाहती कि वही कहानी फिर से इस खानदान में दोहराई जाए। मैं तो राहम की वजह से खामोश हूँ, लेकिन कमाल मियां, आप कोई ऐसी तरकीब सोचिए कि ये लड़की इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। रहा। ये शख्स कौन था? ये तो बिना ही बता सकती है, लेकिन आप उससे किस तरह पूछेंगे? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तस्वीर मैंने बीना को भेज दिया, वही बताएगी इसके बारे में। राहम का मैसेज? मामा जहांज़ेब अंकल के साथ? राम के पास कहाँ से ये फोटो और उसने मुझे क्यों भेजी है? हेलो, हाँ बीना। राम, ये पिक्चर तुम इस शख्स को जानती हो? कौन है ये? हाँ जानती हूँ, लेकिन ये पिक्चर तुम्हारे पास कैसे आई? सारी बातें बाद में बीना, अभी सिर्फ ये बताओ ये शख्स तुम्हारी मॉम के साथ जो है वो कौन है? जहांज़ेब अंकल हैं, मामा ने बताया था उनके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन मामा उनके साथ। राहम प्लीज मुझे बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। क्या कहा बीना ने? कह रही थी कोई रिश्तेदार है। बस जब वो कह रही है कि वो रिश्तेदार है तो बात खत्म। लेकिन जिस तरह से मैंने उन दोनों को देखा है वो रिश्तेदार नहीं लग रहे थे, उसे कुछ ज्यादा ही लग रहे थे। दूर के रिश्तेदार, गाड़ी अचानक खराब हो गई, हमारे घर आ गए। राम जहांज़ेब अंकल को जानता है? कहाँ से आई इसके पास ये पिक्चर और खास तौर से मुझे क्यों भेजी इसने? या अल्लाह, क्या है ये सब? तुम मेरे साथ आओ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे मुझे। मैंने सिर्फ राहम को बुलाया है, तुम्हें नहीं। आओ। अल्लाह भला करे पड़ोसियों का जिन्होंने खाना भेज दिया, वरना हम तो भूखे मर जाते। ये तो एक वक्त का हो गया, अब रात में क्या खाएंगे? रात में भूखे सोएंगे खाली पेट। मम्मी ऐसा कब तक चलेगा? अब रोज रोज तो न्याज नजर का खाना खा नहीं सकते हम। तुम्हें कहा भी था बेटा कि रेहान को काबू में कर लो। अरे लोहा गर्म होता है ना, जहाँ दिल चाहे ढाल लो। मैं क्या करूँ, उनसे बात करो तो वो काटने को दौड़ते हैं। अब ये भी मैं तुम्हें बताऊँ कि शोहर को कैसे काबू में करते हैं? अरे कोई मीठी मीठी बातें करो, कुछ नाज नखरे उठाओ, उसके कुछ नखरे दिखाओ, फिर देखो कैसे तुम्हारे पल्लू से बन जाएगा। 2 दिन में अपनी माँ को भूल जाएगा वो। अम्मी मुझसे नहीं होती ये चोंचलेबाजियाँ। आलिया, मैं चाहती हूँ कि ये घी सीधी उंगली से निकल जाए और जितनी जल्दी हो सके ना रेहान को काबू में करो। हम यहाँ जितना रहेंगे ना उतना ही हमारे लिए खतरा है। अरे कोई ना कोई उसकी कमजोरी तो पकड़ो जिसके बहाने हम उसे रास्ते से हटाए। मगर नानो, इतना समझाने के बाद भी अब भी अगर मगर की कोई गुंजाइश है? नानो मैं वापस कैसे चला जाऊं? ना तो आप मेरी बात सुन रही हैं ना समझ रही हैं। ठीक है, तो फिर मुझे समझाओ। आप देख रही हालात क्या हैं और कैसे क्या होते जा रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी देख रही हूँ कि हालात न जाने क्या से क्या होते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारा टिकट करवा दिया है। तुम जाओ अपनी माँ के पास। नानो, आप यहाँ अकेली हैं और आप मुझे भी वापस भेज रही हैं। यहाँ कौन होगा जो आपके साथ इन मामलात को देखेगा? नहीं, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। बेटा, मैं बरसों से अपने मामलात खुद ही देखती चली आ रही हूँ, मुझे तो कभी कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि तुम मुझे अब कमजोर कर रहे हो। नानो, मसला है, या तो आप समझ नहीं रही हैं या फिर समझना नहीं चाहती। क्या कहना चाह रहे हो तुम क्या बहुत समझदार हो गए हो? बड़ों की अकल के ऊपर अब तुम्हें शक होने लगा? अल्लाह ना करे नानू जो मैं ऐसा सोचूं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मारिया के रवैये को देखते हुए मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। और फिर बीना, मैं उसको इस घर में लाऊंगा वापस, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूंगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये खावर मामू की जिम्मेदारी थी। लेकिन नानो, अब अगर वो नहीं है तो मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। नानो प्लीज प्लीज मुझे बच्चा समझना छोड़ दे। मैं अब बड़ा हो चुका हूं, मैं अपने फराइज अंजाम देना चाहता हूं। नानो नानो अगर मैं यहां से इस तरह से चला गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। नानो बहुत जिद्दी हो तुम, बिल्कुल अपने बाप की तरह। हाँ, सही कहा आपने, ये मेरी जिद्दी है जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा रखा, वरना मैं कब का टूट के बिखर गया होता। कितनी देर लगा दी आपने आने में? What do you mean by देर लगा दी? तुम्हें पता है कि मैं बिजनेस वुमन हूँ, हमारे जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का नहीं होता। बाय द वे, सारा दिन क्या करती रही हो? कहीं बाहर गई थी या घर में ही रही हो? कोई बाहर से आया तो नहीं ना? ये मत समझना कि मैं घर पे नहीं होती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं होता। ओके मैं सारे दिन तुमसे टच होती हूँ। मैंने कहाँ जाना है, सारा दिन घर में बंद रहती हूँ। अब तो फिर बाहर जाके थोड़ा फ्रेश हो जाती हैं। वैसे जहाँजेब अंकल मुझे अच्छे लगे। अब तुमने खाना खाया? क्या हम उनके घर जा सकते हैं? मतलब उनके घर में काफ़ी सारे लोग होंगे, अम्मी, अब्बू, कज़न्स, आपकी फैमिली। मैं उनसे आज तक नहीं मिली। अयो मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज फजूल रिश्तेदारियाँ वट एवर। अच्छा एक बात बताएं, जहाँजेब अंकल हमारे घर आए, उनको हमारे घर का एड्रेस कैसे पता चला? बीना, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो। 4 दिन उस बुढ़िया के घर में रही हो तो तुम्हारी ज़बान इतनी चलने लगी है। मम्मा, हम उनके घर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट उनको इन्वाइट तो कर सकते हैं ना। क्या जहाँजेब अंकल की रट लगा रखी है? बेटा, मेरी बातों का गलत मतलब नहीं ले। तुम मेरे बच्चों की तरह हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती जैसा आप लोग मुझे समझ रहे हैं। बेटा, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें ऐसे पढ़ सकता हूँ जैसे अपने हाथ की लकीरें। बेटा, उम्र गुजर गई, बड़ी दुनिया देखी, मगर तुम अभी नादान। तुम्हें नुकसान में जाता नहीं देख सकता। राम बाबा का क्या बेटा, वो 4 दिन के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई सारी जिंदगी का रोग लगा बैठो। आप भी सबकी तरह यही सोच रहे हैं? नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सुलझी हुई और समझदार बच्ची हो, अच्छे और बुरे की पहचान है तुम्हें। तो फिर अच्छी जिंदगी और अच्छा साथी किसको नहीं पसंद। बस फिक्रमंद इस बात में हो कि कहीं तुम इस सैराब के पीछे भागते हुए उन्हें पांव जख्मी ना कर बैठो। ये लोग मेरे मोहसिन हैं। नानू ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं अपने साय से भी खौफजदा थी। भला मैं अपनी औकात कैसे भूल सकती हूँ। बेटा, उम्र गुजार दी मैंने बड़े लोगों के बीच, बस औकात याद रखी। अगर बराबरी का ख्याल भी आ जाता ना तो सारी जिंदगी की मेहनत जाया हो जाती। ठीक कह रहे हो। कैसे दुनिया ये हीरे मट्टी में रुलते और मारिया जैसी औरत सर का ताज बनती। ये है मेरा ख्याल है तुम मेरा मतलब समझ रही हो। बेटा, कभी भी अपने आप को ना अकेला नहीं समझना।